नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जन की बात के नेक्स्ट एपिसोड पे हैं। इस वीक हम ट्रैक कर रहे हैं फिटनेस और हमारे बीच जुड़ रहे हैं गोल्ड जिम के ट्रेनर राजी। राजी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। राजी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्यों लगता है कि फिटनेस जरूरी है और इसके प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? आजकल भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास टाइम नहीं है अपने ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो अगर वो थोड़ा समय अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर अपने ऊपर अगर व्यतीत करते हैं तो उनसे आजकल, क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है मोस्टली सेडेंट्री हो गई है और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो कुछ ना कुछ उनको बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, इसलिए वो अपने आप को पुश करें, मोटिवेट करें कि वो कम से कम जिम आ सके। अगर जिम ना आ सके तो कम से कम पार्क में वॉक कर सके या कुछ ऐसा, योगा, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप को मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और राज जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि आप पिछले 7 साल से ट्रेनर हैं, तो आपने पिछले 7 साल में क्या चेंज देखा कि क्या लोगों के प्रति, लोगों के बीच में अपनी सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है कि कम हुई है, कि आप क्या चेंज देखा आपने पिछले 7 साल में? मैंने 7 साल में सिर्फ लोगों के प्रति, पहले जब मैं स्टार्ट किया था अपनी ये ट्रेनर्स लाइफ तो उसमें लोगों में जागरूकता कम थी, बट डे आफ्टर मतलब जैसे जैसे साइन टाइम बीतता गया लोगों के अंदर फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है। पहले लोग जिमों में आने के लिए डरते थे, एक्सरसाइज के लिए डरते थे कि कहीं इंजरी ना हो जाए, कहीं इससे मेरी बॉडी खराब ना हो जाए, बट आजकल इतने लोगों के पास गूगल है, गूगल करके एक्सरसाइज करके मतलब बहुत सारी उनके पास वैराइटीज हो गई हैं फिटनेस को लेकर, और आजकल हर कोई, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग या किसी चीज में भी काम करता हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट में काम करता हो, हर कोई चाहता है कि मैं फिट रहूं और अच्छा दिखूं। तो आजकल इस वजह से लोगों के अंदर अपने आप को बेटर करने के लिए, फिट रखने के लिए वो लोग आजकल ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं जिमों में, योगा में, और मतलब जो भी वो अपने आप एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। राजी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि फिटनेस, मेरे को लगता है कि फिटनेस एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है, जो मानसिक हेल्थ की हम बात करते हैं, तो उसके प्रति हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि हमारी शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत भी बेहतर हो सके? देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर हेल्थ इज वेल्थ, जी, अगर आपका हेल्थ सही है तो ऑब्वियसली आपका दिमाग भी सही होगा। बिल्कुल, बहुत सही उत्तर दिया राजी, काफी अच्छा उत्तर दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज जन की बात फॉर यू। फॉलो अस ऑन फेसबुक, दैट इज जन की बात, एंड हैशटैग सेल्फी इंटरव्यू, वी आर फॉलोइंग फिटनेस, दैट्स आवर एजेंडा ऑफ द वीक। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, धन्यवाद। थैंक यू सर।